अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। और जैसे आप देख सकते हैं, इतना कोई मज़े का मौसम माशाल्लाह से आज हो रहा है। इतनी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है कि मुझसे रहा नहीं गया कि मैं बाहर ना आऊँ, वरना मेरी बेटी जो है तो वो कल से उसको काफ़ी बुखार हो रहा है। स्कूल से पिक करके जब उसको कल हॉट लेके गए तो 10 मिनट में ही उनकी तरफ से कॉल आ गई थी कि नाभे के सर में बहुत दर्द है और उसको उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको लेके जाए। मेरे हस्बैंड गए उसको लेके आए तो कि एकदम से उसको फीवर हुआ है। फिर हमने इवन उसने स्कूल में भी टेस्ट किया था लेकिन उसके बावजूद भी हमने दोबारा से घर में उसका टेस्ट किया। फिर रात को हमने किया टेस्ट, तीसरा टेस्ट, कि क्योंकि उसका बुखार जो था वो काफ़ी हो रहा था, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव था। आज सुबह हमने दोबारा किया है लेकिन नेगेटिव है। उसके बावजूद भी उसको फीवर हो रहा है तो वी आर थिंकिंग कि इंशाल्लाह उसको डॉक्टर के लेके जाएँ। और आदम जो है तो उसका भी किंडरगार्टन बंद हो गया क्योंकि उसके किंडरगार्टन में 3-4 केसेस निकले हैं, तो तकरीबन 10-12 दिन के लिए उसका किंडरगार्टन बंद हो गया है। उसकी उंगली भी थोड़ी सी जख्मी हुई हुई है तो उसको भी चोट लगी हुई है। मेरा जो छोटा बेटा है उसको भी बहुत फीवर हो रहा था, उसका ना खांसी बड़ी गंदी वाली हो रही थी। तो मतलब हमारे घर में आजकल बीमारी सही मतलब वाला सीज़न चल रहा है, सभी बीमार हैं। लेकिन क्योंकि मौसम इतना अच्छा था तो मैंने कहा चलो आदम के साथ मैं थोड़ा सा बाहर चली जाती हूँ, उसको थोड़ी फ्रेश एयर भी मिल जाएगी, थोड़ा सा हम विटामिन डी भी ले लेंगे क्योंकि यहाँ धूप तो बहुत रेयरली निकलती है। तो आप देख सकते हैं वाकई बड़ा खूबसूरत मौसम है। आदम का दिल नहीं चाह रहा कि वो पार्क में जाके खेलें क्योंकि कोई है ही नहीं बच्चे, तो उसका मूड नहीं हो रहा था। तो मैंने उसको बोला चलो कोई नहीं, थोड़ा सा तो खेल लो। तो ये अभी मेरे साथ उसने 2-3 मिनट ही हार्डली खेला है, फिर उसके बाद उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम अपनी वॉक कर लेते हैं और थोड़ा सा इतने टाइम सर्दी के बाद जो इतना क्या कहते हैं डार्क सा था तो और थोड़ा खिल की चीज़ें इतनी अच्छी लग रही थी मुझे मतलब, तो मैंने कहा लाओ एक छोटी सी फ्रेश सी वीडियो भी बनाते हैं कि समर में इंशाल्लाह और भी खूबसूरत होने वाला है। और क्योंकि ये जगह इतनी भी खूबसूरत लगती है, सिर्फ ये जगह नहीं ओवरऑल बहुत ही ग्रीनरी होती है यहाँ पर जर्मनी में, जो बेस्ट बात है ना कि बहुत ग्रीनरी है माशाल्लाह, और हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ तो और भी ज़्यादा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है एज आई एम ए नेचर पर्सन, तो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ हमेशा से ही ऐसी ग्रीनरी को। मैं फिर वॉक पे और चीज़ों पर निकलती हूँ तो अभी जब से मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ है उसके बाद मैं ज़्यादा जो है तो एक्टिव नहीं रही वॉक पर, लेकिन उसके बावजूद अब मैं सोच रही हूँ इंशाल्लाह मौसम अच्छा होता है तो फिर मैं निकलूँगी। और ये आप देख सकते हैं इतना कोई खूबसूरत मज़े का मौसम हो रहा है, आसमान इतना खिला हुआ है और ये दरख्त इंशाल्लाह सून इस पे जो है तो पत्ते आ ही जाएंगे, और ये पानी की आवाज़ मतलब ये मुझे इतना कोई सुकून देती है। कभी कभार मैं ऐसे ही आके ना पानी के साथ बैठ के थोड़ा सा ऐसे ही रिलैक्स करती हूँ। कभी भी ऐसा हो ना कि आपके करीब कहीं पानी हो, आप जाके वहाँ पर बैठ के सिर्फ वो पानी की जो अपनी आवाज़ है ना वो ज़रा महसूस करें, और यहाँ पर तो बर्ड्स की आवाज़ भी है तो बहुत ही मज़े की। तो ये मैं और मेरा बेटा जो है अच्छा खासा जो है तो चीज़ों को क्या कहते हैं डिस्कवर कर रहे हैं वहाँ पर। उसको कुछ छोटी सी चींटियाँ मिली हैं तो भाई उस पर बैठ के भी हमने काफ़ी तबसरा किया है। पानी के पास भी पता नहीं क्या थी, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा था, उस पर भी हमारा अच्छा खासा तबसरा हुआ है। तो सिर्फ हमारी वॉक नहीं हो रही, बाकायदा हम चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि कभी कभार आप बच्चों के साथ बात करो, और मैं रास्ते पर अपने बेटे के साथ यही बात कर रही थी कि चलो इंशाल्लाह कल परसों फिर साइकिलिंग पर निकलते हैं। तो मुझे कहते हैं नहीं मामा अभी जो है तो मेरा मूड नहीं हो रहा, बड़ी सर्दी है। मैंने कहा ओए भाई अल्लाह यहाँ तो मूड ही नहीं हो रहे लेकिन इंशाल्लाह समर में तो है, इंशाल्लाह समर में दोबारा से साइकिलिंग का होगा। बस ये है कि मेरा छोटा बेटा जो है उसका अब ये प्रॉब्लम है, अब देखते हैं शायद वो साइकिल के साथ वो यहाँ पे लगती है कुछ, उसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो। तो अगर वो ले लिया तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर देखेंगे कि क्या तरीका करते हैं। और ये आप देख सकते हैं साइड पर ही ये मोटरवे है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर बड़ा ही शोर होता है बहुत ही ज़्यादा, और ये नीचे की जगह बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पर जोमर में बहुत ज़्यादा लोग निकलते हैं, यहाँ पर चादरें डाल के बैठे होते हैं पानी के करीब, और बच्चे जो है कभी कभार पानी में नीचे खेल रहे होते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। तो वाकई मैं आज बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ इतने दिनों के बाद जो है तो वॉक पर निकले हैं, और यहाँ नीचे जो है यहाँ बहुत ज़्यादा फिशेज होती है। अभी दिख नहीं रही, मैंने देखा भी लेकिन मुझे कुछ इतना खास दिखा नहीं, लेकिन ये जगह बिल्कुल फुल होती है, फिशेज इतनी ज़्यादा है कभी कभार दिल चाहता है बंदा यहाँ फिशिंग के लिए आए, बट आई डोंट नो कि अलाउड है कि नहीं। और यहाँ पर मेरे बेटे का दिल चाह रहा है कि मामा आप इस रास्ते से जाएं, मैं उस रास्ते से आऊँगा, मतलब सही वाला मुझे डिक्टेशन दे रहा है।
ओके मेरा आज भी रोज़ा है तकरीबन, क्योंकि मुझे पूरा एक महीना रोज़े रखने हैं। तो वही अब मैं सोच रही हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है घर की तरफ चलते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है निकले हुए, लेकिन अभी मेरे बेटे का दिल नहीं चाह रहा था। अभी उसका जो जूता था वो काफ़ी गंदा हो गया था, वहाँ पे कीचड़ था, तो मुझे कह रहा है कि मेरा जो जूता है वो धो के दे। तो मैंने कहा लाओ बेटा वहाँ सामने पानी में ले जाके मैं तुम्हारा पहले ये जूता साफ़ कर देती हूँ, वरना घर तक तो तुम ना मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दोगे। तो खैर अभी जाके ना मैंने उसका वो जो जूता है वो साफ़ किया पानी में। Okay.